नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया एसपी अमन सिंह राठौर के निर्देश में थाना लाच पुलिस ने ग्राम कुलेथ रेत माफिया द्वारा सिंध नदी बहाव रोककर बनाए गए अस्थायी पुल को जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया गया। थाना प्रभारी भान सिंह सिसोदिया ने बताया कि लांच थाना क्षेत्र में कोई भी रेत खदान नहीं है। रेत माफियाओं ने ग्राम कुलेथ के पास अस्थायी पुल का निर्माण कराकर ग्वालियर जिले से रेत लाए थे। एसपी महोदय के निर्देश पर आज ग्राम कुलेथ सिंध नदी में बनाया गया अस्थायी पुल जेसीबी मशीन से ध्वस्त किया गया और रास्ते में गड्ढी को दिए गए हैं। रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इंद्रगढ़ से संवाददाता राजकुमार कुशवाहा की रिपोर्ट।